देखिए, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपने विचार छोड़ दिए, बाला साहब को जो विचार थे उनसे बहुत दूर वो चले गए, और ऐसे लोगों के साथ जाकर उद्धव जी मिल गए जो वीर सावरकर जी को नीचा दिखाते हैं, अपमानित करते हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर को खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, ऐसे लोग जो भगवा आतंकवाद कहते हैं, हिंदू टेरर कहते हैं, सैफरन टेरर कहते हैं, उनके साथ जाकर मिल गए, और जब हिंदू या भगवे को गाली जो लोग निकालते हैं इनके साथ ही, तब उद्धव जी के होंठ सिल जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। अरे, राहुल गांधी जी जब कहते थे वीर सावरकर जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो उद्धव जी ने उस समय तो कहा था जब हमारे साथ थे कि जूतों से मारना चाहिए। आज जब वीर सावरकर का अपमान होता है तो उद्धव ठाकरे का जुबान पर लगाम क्यों लग जाती है? आज जब भगवा रंग के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी नेता करते हैं तो उद्धव ठाकरे जी विरोध क्यों नहीं करते, क्यों चुप हो जाते हैं? बाला साहब ने जो भगवा रंग पहना तो क्या उसका उद्धव जी विरोध करते थे? पर लोगों से कल वो अपील कर रहे थे, आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे तो मैं रिटायर ऑपरेटर हो जाऊंगा। वो स्पष्ट दिखता है उनकी बात से कि जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, उनको घर पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जिसको जनता ने चुना था भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनको इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, छोड़ कर गए मुख्यमंत्री बनने के लिए और बेटे को मंत्री बनाने के लिए, और जनता उसका करारा जवाब देगी। जिस तरह के इन्होंने नेता चुने हैं यहाँ पे वसूली वाले, जिनका आतंक है नासिक जैसे शहर में, जो बम धमाके वालों के साथ डांस करते मिलते हैं यहाँ पे, दुकान दुकान से हर व्यापारी से वसूली करते मिलते हैं, वो इनके उम्मीदवार हैं। कल जिस तरह से नंगा नाच यहाँ पर हुआ, तबाही मचाने का काम किया, गुंडागर्दी की गई, पैसे बांटने के साथ साथ जिस तरह से तलवारें चलाई गई, तो आपको नहीं लगता ये गलत था? क्या उद्धव ठाकरे जी को नहीं लगता कि गलत उम्मीदवार दे दिए हैं? नासिक की जनता, महाराष्ट्र की जनता वसूली वालों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। युद्ध वाली टिप्पणी को लेकर हमला बोला है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने उनका बयान सुना नहीं। सर, एक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अभी मोदी जी पर टिप्पणी की है, क्या मोदी जी अपनी याददाश्त भूल रहे? मुझे लगता है राहुल गांधी जी बहुत कुछ भूल गए, क्योंकि जो संविधान की किताब वो लेके साथ में चलते थे, संविधान वैसे दिखता ही नहीं पहली बात, लेकिन जो किताब वो लेके चलते संविधान की, उसके पन्ने भी उतने ही कोरे और खाली थे जितनी महावसूली अगाड़ी की, महाविकास अगाड़ी की उपलब्धियाँ उतनी ही खाली थी, और इसीलिए उस संविधान की जो लाल रंग की पुस्तिका वो लेके चलते हैं, उसमें जो लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने प्रस्तावना में लिखा है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर देश पर वो आपातकाल थोपा था, वो काला अध्याय था, अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो गरीब आदमी को अपने अधिकार नहीं मिल पाते। अंदर शायद वो भूल गए और कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि इसके अंदर क्या है। राहुल गांधी ने भाजपा पे आरोप लगाए, क्या भाजपा जो है वो गरीब लोगों के साथ नहीं है, वो धारावी की जो झोपड़पट्टी है वहाँ पे वो आनंदी आनंद को बेचना चाहते हो? कांग्रेस ने 60 साल देश में राज किया और गरीब को और गरीब किया, ना पक्के मकान दिए, ना उचित सुविधाएं दी, ना शौचालय दिया। मोदी सरकार ने 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए 10 साल में, 3 करोड़ पक्के मकान और मंजूर कर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, 12 करोड़ शौचालय हमने बना कर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया आयुष्मान भारत योजना में, और अब 70 साल से ज़्यादा वालों को 5 लाख का इलाज हमने मुफ्त में दिया है। राहुल गांधी जी, आपकी परिवार की 4 पीढ़ियाँ सत्ता में आई लेकिन कुछ नहीं कर पाई, अब जब मोदी सरकार और पक्के मकान बनाकर देना चाहती है तो आप लोगों को झुग्गियों में ही रखना चाहते हो। हम कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान। शरद पवार ने भी ये किया है। किसको? शरद पवार ने क्या कहा है? लेकर शरद पवार जी से मैं कहता हूं, 7 वाले राज्य में जाकर देखिए, झारखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और अब जॉब जिहाद चल रहा है, और ये घुसपैठियों को संरक्षण दिया तो वहां की RJD, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी ने दिया। हजारों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आकर आदिवासी बहनों की आबरू और आवास दोनों को लूटने का काम किया है। क्या इनको ये मंजूर है लव जिहाद? शिमला में इनके कांग्रेस के मंत्री ने विधानसभा में कहा, मंत्री ने, सिटिंग मंत्री ने,
कि यहां पर इलीगल मस्जिदें बन रही हैं, स्थानियों के जॉब्स पर जिहाद हो रहा है, जॉब जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये मैंने नहीं कहा, कांग्रेस के मंत्री ने कहा। तो शरद पवार जी जागिए, सत्ता के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण मत दीजिए जो लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी मानसिकता कांग्रेस को देकर गए हैं, बांटो और राज करो, और देश अब बंटने के लिए तैयार नहीं। चाहे राहुल जी देश को बांटने वालों के साथ खड़े हो जाएं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लें। जो नारे लगाते थे भारत के टुकड़े हो हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत का नामो निशान मिटा देंगे, उनको राहुल गांधी जी ने कांग्रेस में शामिल किया। और ये कांग्रेस और अन्य दल जाति धर्म संप्रदाय और बोली के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। हम बटने नहीं देंगे, हम कटने नहीं देंगे, तभी हम कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। धारा 370 जब तक लगी थी तब तक पथराव होता था, आतंकवाद था, विकास कार्य ठप थे। जैसे मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, वहां पर विकास की नई ऊंचाइयां पाई, वहां पर पर्यटन नई ऊंचाइयों पर गया, निवेश वहां पर बहुत आया, लोगों की आमदन बहुत बढ़ी है। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि कश्मीर का समस्या हल होती, हमने हल करके दिखाई तो कांग्रेस को मिर्च लगती है। ये नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल थी, ब्लंडर था, ऐसे जख्म जो कश्मीर को दिए ये पंडित नेहरू की गलतियों के कारण, उनकी सोच के कारण है, और उसमें सुधार किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब चाहती है कि जम्मू कश्मीर फिर चले, वहां फिर पथराव हो, फिर सैनिकों पर हमले हो, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अब कभी भी 370 वापस नहीं आएगी, 370 सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.